और खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। हर तरफ से कंगाल पाकिस्तान, जहां लोग महंगाई से त्रस्त हैं, IMF या फिर अपने मित्र देश, बाकी सभी से लगातार भीख मांगकर पैसे मांगने वाले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका चीन की तरफ से मिला है। और वो ये है कि पाकिस्तान ने चीन को हर्जाने के तौर पर बड़ी रकम दी है। पाकिस्तान ने चीन को 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हर्जाने के तौर पर दिए। ये हर्जाना पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मौत के एवज में दिया गया है। मार्च महीने में पाकिस्तान में हुए एक हमले में 5 चीनी नागरिक की मौत हो गई थी और इसी के हर्जाने के तौर पर पाकिस्तान ने चीन को 72 करोड़ रुपए दिए। तो कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका। कहावत है ना, कंगाली में आटा गीला, कुछ यही हाल पाकिस्तान का है, जहां दाने दाने को मोहताज है। एक एक रुपया भीख मांग मांग कर शहबाज शरीफ अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे हैं। तो वहीं एक तरफ से पैसा आया कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान, जिसे अपना दोस्त कहता है, उसी दोस्त ने बड़ा पैसों का झटका दे दिया। पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को अब चीन को 72 करोड़ का हर्जाना देना है। जी हाँ, 72 करोड़ रुपए, वो भी हर्जाने के तौर पर। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। अपने नागरिकों की मौत के बदले चीन ने पाकिस्तान से हर्जाना मांगा है। पाकिस्तान इस हमले में मारे गए चीनी नागरिकों के परिवारों को बदले में 2.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें हर्जाना देने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी हैरान है कि इस कंगाली में इतना बड़ा अमाउंट देने पर सरकार राजी कैसे हो गई। और उसके बाद कोई दाल में काला नजर आता है, ये ऐसा हुआ नहीं कभी। हम तो भाई लेने वाले हैं, देने वाले तो नहीं है। हमारी तो कौम देती नहीं कुछ भी। आप तो ट्रैश भी नहीं फेंकते भाई, आप तो ट्रैश भी नहीं देते हो किसी को, आप तो कपड़े उतारते हो आसपास के लोगों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि जो चाइना को इन्होंने पैसे दे दिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो चले गए वहां, उधर से कहा मैं तो तिजारत करने आया हूँ, मैं गुजर रहा था रस्ते से, मैंने कहा आपसे तिजारत कर ली जाए, वो इस तरह का बयान उन्होंने दिया जाता। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हुआ था, जिसमें आत्मघाती हमलावर ने चीनी नागरिकों के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी मारा गया था। लेकिन जरा शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तानियों की जान की क्या कीमत है, ये भी देख लीजिए। चीन की चमचागिरी करने के लिए चीनी नागरिकों को हर्जाने के तौर पर 15 करोड़ एक एक इंजीनियर को दिया गया, तो वहीं पाकिस्तान ड्राइवर को सिर्फ 25 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए गए हैं। यानी चीन की चमचागिरी में पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ही नागरिक को भूल गए। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान चीन का प्यादा है, उसके रहमो करम पर ही पाकिस्तान चल रहा है। छोटे से सामान से लेकर हथियार तक, सबके लिए चीन की मेहरबानी, पाकिस्तान को चाहिए। यह हर्जाना दिया तब जा रहा है जब शहबाज चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां एक बार फिर अपना कटोरा लेकर पहुंचेंगे। इससे पहले UAE से भी शहबाज बड़ा निवेश लेकर आए थे। यही वजह है कि शहबाज सरकार अपने आका चीन को नाराज नहीं करना चाहती और लगातार कंगाली के बावजूद चीन को बड़ा हर्जाना देने पर तैयार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media। Zee News।